क्लास टेंथ एंड ट्वेल्थ में बहुत सारे ऐसे बच्चे जिनके मार्क्स एक्सपेक्टेशन से कम आए और वो रिवेल्यूशन कराना चाहते हैं, लेकिन बहुत सारे मन में डाउट चल रहे हैं। मार्क्स कम हो जाएंगे इस बारी ध्यान रखना, अगर आपके रिवेल्यूशन के अंदर पहले मार्क्स बढ़ते थे तो बढ़ा दिए जाते थे, लेकिन अब की बार वेरिफिकेशन और मार्क्स में अगर आपके मार्क्स कम हो रहे होंगे तो कम लगा दिए जाएंगे, इस बात का ध्यान रखना है। CBSE का मेजर चेंज है और स्टेप बाय स्टेप मैं आज की वीडियो में आपको बताने वाला हूँ किस तरीके से आपको वेरिफिकेशन ऑफ मार्क्स कराने हैं ताकि आप कोई भी गलती ना करें, क्योंकि वेरिफिकेशन ऑफ मार्क्स नहीं कराएंगे तो आप अपनी आंसर शीट की फोटोकॉपी नहीं ले पाएंगे। कैसे करना है हर एक स्टेप को बताऊंगा बिल्कुल डिटेल वीडियो में। अगर आंसर की फोटोकॉपी आप लेते हो और फिर आंसर को आपको वेरीफाई कराना है, फिर से चेक कराना है, तो उसका क्या प्रोसेस रहने वाला है, वो कब होगा, क्या कंडीशन CBSE ने रखी है, हर एक बात को डिटेल में हम यहाँ पे देखने वाले हैं। बाकायदा मैं आपको हर एक स्टेप फॉलो करके दिखाने वाला हूँ। सबसे पहले आपको CBSE की साइट पर चले जाना है, CBSE.government.in पे। यहाँ पर मेन वेबसाइट पर आप क्लिक करेंगे तो ये वेबसाइट सबने ऑलरेडी देखी हुई है, ठीक है। यहाँ से अगर आप स्क्रॉल करते हो नीचे की तरफ तो यहाँ पे आपके पास वेरिफिकेशन प्रोसेस नज़र आएगा। यहाँ पे आप क्लिक करेंगे जैसे ही तो क्लिक हेयर टू अप्लाई ऑनलाइन नज़र आ रहा है, इस पर क्लिक कर दीजिए। जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पे अप्लाई फॉर वेरिफिकेशन मार्क्स की वेरिफिकेशन है अभी यहाँ पर, ठीक है। अभी क्योंकि ध्यान से देखना, सबसे पहली विंडो जब मैं यहाँ से थोड़ा सा स्क्रॉल करूँगा और नीचे को, यहाँ पे आपको 13 ऑफ मई के दो सर्कुलर दिखेंगे, क्लास टेंथ का आंसर देखो यहाँ पे, नोटिस फॉर वेरिफिकेशन ऑफ मार्क्स, फोटोकॉपी ऑफ आंसर बुक्स एंड रिवेल्यूएशन, ठीक है। ये तीनों अलग अलग बातें हैं लेकिन तीनों एक दूसरे से इंटरकनेक्ट है। पहले क्लिक करके देखते, क्लिक अगर मैं करता तो यहाँ पर जैसे टेंथ और ट्वेल्थ का ये खुल जाता। यहाँ पे तीन बातें आपको नज़र आएगी, एक आ रहा है वेरिफिकेशन ऑफ मार्क्स, एक है स्कैंड कॉपी। वेरिफिकेशन ऑफ मार्क्स का मतलब यहाँ पे ये रहने वाला है बेटा जी कि आप अपने मार्क्स का टोटल करवा रहे हैं, जहाँ कोई मार्क्स ऐसा तो नहीं है कि कोई क्वेश्चन तो सही था लेकिन उसके मार्क्स नहीं मिले। वेरिफिकेशन ऑफ मार्क्स में सिर्फ और सिर्फ इतना ही होता है, या तो टोटल करेंगे वो आपके और उसमें देखेंगे कि हर क्वेश्चन के मार्क्स दिए गए हैं, ऐसा तो नहीं है कोई क्वेश्चन चेक नहीं हुआ और चेक हुआ है तो उसके टोटल आगे ऐड मार्क्स ऐड नहीं हुए। वेरिफिकेशन ऑफ मार्क्स में इतना ही होता है, ये ध्यान रखना। वेरिफिकेशन ऑफ मार्क्स कराने, जो बच्चा वेरिफिकेशन ऑफ मार्क्स कराया और उसका मान के चला सेम रिजल्ट आ गया लेकिन उसको लग रहा है नहीं मेरा रिजल्ट गलत है, मेरे मार्क्स इतने कम नहीं हो सकते, वो ही फोटोकॉपी के लिए CBSE को चैलेंज कर सकता है और ये फोटोकॉपी तभी मिलेगी, उसके लिए वेरिफिकेशन ऑफ मार्क्स कराना कंपलसरी है। अगर वो नहीं कराओगे तो आप फोटोकॉपी नहीं ले सकते CBSE से। और दूसरा, ऐसा नहीं है कि आज मैथ्स का डाल दिया, कल आपने फिजिक्स का डाल दिया, उसके बाद SST का डाल दिया, मतलब टेंथ का भी कोई बच्चा है, एक ही साथ अगर आपको दो सब्जेक्ट की करानी है तो एक साथ ही वेरिफिकेशन ऑफ मार्क्स कराने हैं। कैसे कराने हैं वो स्टेप मैं आपको अभी बताने वाला हूँ, ठीक है। उसके बाद स्कैन कॉपी तभी मिलेगी जब वेरिफिकेशन ऑफ मार्क्स जिस सब्जेक्ट का कराया होगा उसकी ही स्कैन कॉपी आपको मिल सकती है। स्कैन कॉपी अगर आपके पास आ जाती है और आपने देखा अरे क्वेश्चन नंबर 5 है, ये तो गलत चेक किया है, ये तो मेरा बिल्कुल ठीक है, मुझे मार्क्स मिलने चाहिए थे लेकिन 4 मार्क्स का क्वेश्चन था, एक ही नंबर मिला है, जा काट दिया, कुछ भी नहीं मिला, तो आप फिर रिवेल्यूएशन ऑफ आंसर कर सकते हो, तभी कर सकते हो अगर आपने स्कैन कॉपी ले रखी है, अदरवाइज नहीं कर। और स्कैन कॉपी के लिए वेरिफिकेशन ऑफ मार्क्स कराना कंपलसरी है, मतलब CBSE मोटा माल कमाने के चक्कर में है अब की बार हमारे से, ठीक है। तो वेरिफिकेशन ऑफ मार्क्स आपको पता लग गया, भाई यहाँ पे सारी डिटेल दे रखी है, 500 पर सब्जेक्ट है वेरिफिकेशन ऑफ मार्क्स का, एक सब्जेक्ट का 500 रुपये ले रहा है, ठीक है। अगर आप कॉपी लेते हो उनसे, ठीक है, अगर आप कॉपी मंगाते हो 700 पर कॉपी एक सब्जेक्ट की आपको पड़ती है, एक सब्जेक्ट के 700 मतलब 500 हो गए, 700 ये गए, एक सब्जेक्ट के 1200 रुपये। उसके बाद अगर आपको आंसर कोई चेक करवाना है तो 100 रुपीज़ पर क्वेश्चन लगेगा, 100 रुपये पर क्वेश्चन आपको देना पड़ेगा CBSE को। अगर आपके 4 क्वेश्चन आपको लगता है कि गलत थे सही होने चाहिए तो 400 रुपीज़ आपको पे करने, एक का है तो 100 रुपीज़ पे करने पड़ेंगे।
अब एक बारी हम जरा स्टेप वाइज देख लेते हैं। अगर मैं क्लास 12th एप्लीकेशन फॉर वेरिफिकेशन पे क्लिक करता हूँ, यही सबसे इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि यहीं से आपको एप्लीकेशन नंबर मिलेगा जो सब जगह काम आने वाला है आपके। ठीक है, आप यहाँ क्लिक करो तो यहाँ पे एंटर रोल नंबर की बात कर रहा है, तो अपना रोल नंबर आप इसमें फिल कर देंगे। ठीक है, जैसे मैं यहाँ पर रोल नंबर फिल कर रहा हूँ, भाई छुपा दिया मैंने रोल नंबर। ठीक है, कहीं बोलो और ये बहुत अच्छे बच्चे का नंबर है, रोल नंबर है, कहीं सोचो इसको भी रोल नंबर को वाले को भी वेरिफिकेशन की ज़रूरत थी, नहीं भाई अच्छा बच्चा ये। और ये नहीं बोल रहा कि तुम गंदे बच्चे हो, कभी कभी हमारी किस्मत ख़राब हो जाती है भाई। तो प्रोसीड पे क्लिक करोगे यहाँ पे, तो यहाँ पे आपका रोल नंबर, नंबर ऑफ कैंडिडेट, मदर्स नेम, फादर्स नेम ऑटोमेटिक फिल हुआ आ जाएगा। लेकिन आपको यहाँ पे जैसे इंग्लिश का पेपर रीचेक कराना है तो टिक करना पड़ेगा, मैथमेटिक्स का करना है तो टिक करना पड़ेगा, जो भी सब्जेक्ट्स आपके पास हो, ये कॉमर्स वाला बच्चा है, आपके पास जो भी सब्जेक्ट हो आप टिक कर सकते हो जो आपको चाहिए, क्योंकि उतने ही पेमेंट आपको करनी पड़ेगी। कैंडिडेट एड्रेस, पिन कोड, सारी डिटेल आपको, मोबाइल नंबर, ईमेल और सबमिट एप्लीकेशन कर देंगे, तो यहाँ पे आपको एप्लीकेशन के बाद पेमेंट के प्रोसेस होगा। अगर बाय चांस पेमेंट नहीं हो पाती तो आप यहाँ पे पीछे फिर से जाएंगे, अगर तो यहाँ पे आप अगर आप देखोगे अप्लाई पे क्लिक करा था जहाँ पे, तो पेमेंट फीस यहाँ क्लिक कर रहे हो तो यहाँ पे एंटर एप्लीकेशन नंबर मांग रहा है। अगर आपकी पेमेंट नहीं होती तो ऊपर देखो, अब यू आर पेइंग फी फॉर वेरिफिकेशन, देन एंटर वेरिफिकेशन एप्लीकेशन नंबर पेइंग फॉर। ठीक है, अगर आप पेमेंट करना चाहते हो तो वेरिफिकेशन जो एप्लीकेशन थी उसकी एप्लीकेशन नंबर यहाँ डालेंगे, रोल नंबर डालेंगे, प्रोसीड करेंगे तो पेमेंट होगी। पहले अप्लाई करना है फिर पेमेंट यहाँ कर सकते हो। ठीक है, तो यहाँ पे बिल्कुल इस तरीके से रहेगा। और वेरिफिकेशन अगर नहीं कराते हो तो भैया आंसर कॉपी नहीं मिलेगी, नहीं मिलेगी, नहीं मिलेगी। कोई बोले नहीं मेरे मार्क्स तो चलो ठीक लग रहे हैं लेकिन मुझे अपनी कॉपी चाहिए, तो CBSE कहते हैं नहीं भाई यहाँ घूमने फिरने नहीं आए हो, हमारा काम मत बढ़ाओ, हम वैसे ही बहुत आलसी है, आप अपने काम से काम रखो, आपने वेरिफिकेशन नहीं कराया तो हम कॉपी नहीं भेज रहे, टाइम पास वाला काम हम नहीं करना चाहते हैं। ठीक है, मज़े के लिए तुम अपनी कॉपी मंगा रहे हो तो ऐसा नहीं होगा, वेरिफिकेशन कराओ, कॉपी मंगा लो, मिल जाएगी। अगर इसके बावजूद भी आपके मन में कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर पूछ लेना मेरे से, मैं आपके हर डाउट को क्लियर करने की कोशिश करूँगा। चलिए मिलते हैं बेटा नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय, टेक केयर।